नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी एक निर्माणाधीन मस्जिद की संगे बुनियाद रखने ललियाना पहुंचे, जहां चौधरी रियासत ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। ये मस्जिद कांग्रेसी नेता व दिल्ली गाजीपुर मुर्गा मंडी के पूर्व चेयरमैन चौधरी रियासत द्वारा बनवाई जा रही है। इस मस्जिद का एरिया 1400 गज और लागत लगभग 1.5 करोड़ बताई जा रही है। मस्जिद के अलावा यहाँ पर एक खानकाह का निर्माण भी कराया जा रहा है। मौलाना मदनी ने अपने हाथ से बुनियाद की ईंट रखी। इस मौके पर मौलाना काश्मी, मौलाना सुलेमान मजाहिरी, सुपा इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल कारी अब्दुल गफ्फार, मौलाना मौसिद मदनी, मौलाना इकबाल जड़ोदा वाले, किठोर जामा मस्जिद के इमाम, रमेश पार्क बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना हन्नान और मौलाना अब्दुल काश्मी भी मौजूद रहे। मस्जिद अल्लाह का घर है, सबसे पहले अल्लाह का घर जो दुनिया में बना है वो काबतुल्लाह है, जिसको हम बैतुल्लाह और अल्लाह का घर कहते हैं। इस घर की दूसरी बुनियाद अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने रखी है। जो पहली बुनियाद थी उसी बुनियाद के ऊपर अल्लाह के हुक्म से बाप बेटे जो दोनों नबी थे, कुरान कहता है कि उसी बुनियाद के ऊपर दीवार ये दोनों उठा रहे थे। وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اللہ فرماتا ہے کہ اس دیوار کو اٹھاتے ہوئے وہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے تھے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اے ہمارے پالنے والے اللہ अपने घर की इस खिदमत को हमसे कबूल फरमाए। आप हमारी दुआ को सुनने वाले हैं और हमारे दिलों के जानने वाले हैं कि हम ये दुआ आपकी आपसे इखलास और इलाहियत के साथ ही मांग रहे हैं। दुनिया में जहाँ भी किसी मस्जिद की तामीर होती है उसका रुख उसी अल्लाह के काबे की तरफ होता है, जिसको हम बैतुल्लाह कहते हैं, और जिसकी बुनियादों को उठाते हुए हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अला नबीना व अलैहिम सलावत व तस्लीम ने ये दुआ मांगी थी। आज हमारी ये सआदत है कि हम इस घर की बुनियाद रख रहे हैं और हम यही दुआ मांगते हैं, और यही दुआ हर एक को मांगनी चाहिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ अल्लाह हमने जितना भी हिस्सा आपके इस घर के बनाने में दिया है हमारी इस शिरकत को कबूल फरमा ले और आप दुआओं को कबूल करने वाले और दिलों की गहराई को जानने वाले हैं। आपसे कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ये इस घर की बुनियाद है। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई और मक्का मुअज्जमा से आप चलकर मदीना मुनव्वरा अला साहिबी सलातु वस्सलाम में पहुंचे, तो यहाँ सबसे पहला मसला यही पेश आया कि नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को जमा होकर किसी मस्जिद के अंदर आना चाहिए।
चुनाचे आपने यहाँ मस्जिद की तामीर फरमाई जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलाम इमाम थे और जो लोग हल्का बगोश इस्लाम होते थे और मुसलमान हो जाते थे वो पांचों वक्त की नमाज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ना अपने लिए बाइस शहादत समझते थे। इसलिए मस्जिद का मर्तबा बहुत बुलंद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो शख्स दुनिया में मस्जिद यानी अल्लाह का घर बनाएगा अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएंगे। इसलिए ये बात बड़ी शहादत मंदी की बात है कि आप हजरात को आगे रियासत साहब को और दूसरे लोगों को इसके अंदर शिरकत का मौका मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा इस मस्जिद के अंदर शरीक होना चाहिए और दुनिया के अंदर इस शिरकत को कल कयामत के दिन अल्लाह की जन्नत में अपना घर तामीर करने का जरिया समझना चाहिए। मैं आप सब हजरात को और हाजी साहब को मुबारकबादी देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जल्द अज जल्द इसको पाया तकमील तक पहुँचाए और इस मस्जिद को कुर्ब जवार के लिए इन आबादियों के लिए अल्लाह के रहमत का जरिया और रुश्द हिदायत का सबब बनाए। अल्लाह ताला हमारी सब की इस खिदमत को कबूल फरमाए और सबको शुरूर फितन से महफूज और मामून फरमाए। अल्लाह इस मुल्क के अंदर सब बसने वालों के दिलों में मजहब से ऊपर उठकर आपस में प्यार और मोहब्बत एक दूसरे के साथ शफ़क़त और मेहरबानी का अल्लाह ताला फजल फरमाए करम फरमाए और मेहरबानी करने की सआदत मैसर फरमाए। और जो लोग प्यार और मोहब्बत की जगह नफरत के बीज बो रहे हैं अल्लाह उनको खायब और खासिर फरमाए और जलील और रुस्वा फरमाए। وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.